हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैनिक स्कूल एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक की डेट है, एग्ज़ाम डेट क्या होगा यानी एग्ज़ाम कब होगा, एलिजिबिलिटी उसके लिए क्या है, कौन स्टूडेंट है वो सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ओके, एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे और सैनिक स्कूल का एक एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए आज हम देखने वाले हैं। ओके तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर एक सैनिक स्कूल से जुड़ी आपको नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ हमारी टीम आपको और आपके बच्चे को सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो जो इम्पोर्टेंट डेट है सैनिक स्कूल के लिए वो है सैनिक स्कूल एग्जाम एंट्रेंस 2021 के लिए। वो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 5 अगस्त से ही स्टार्ट हो गए थे और अभी 23rd सितंबर है वो लास्ट डेट है इसके लिए। ओके तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। ओके डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसके लिए मेरी एक अलग वीडियो होगी जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा कि एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके एग्जाम डेट, ठीक है, अब आप ये देखिए कि इशू ऑफ एडमिट कार्ड कब आएगा, यानी कि आपको ऑनलाइन आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 2 दिसंबर। ओके 2 दिसंबर को आप ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। फिर है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 5 जनवरी को। ओके 2020 की 5 जनवरी को एग्ज़ाम होगा। ओके उसके बाद है एप्लीकेशंस। अगर आप ये देखेंगे कि रिजल्ट कब आने वाला है आपके स्टूडेंट के लिए या मेडिकल के लिए लिस्ट कब लगने वाली है, तो मेडिकल के लिए जो लिस्ट लगेगी वो लगेगी आपकी 3 to 7 फेब के बीच में लगेगी। ओके उसके बाद जो फाइनल मेडिकल के बाद में जो फाइनल आपके बच्चे का यानी कि एडमिशन हुआ या नहीं हुआ उसका आपको कब पता चलेगा, उसके लिए लिस्ट लगेगी 20 मार्च को। ओके और उसमें वेटिंग वाले बच्चों के लिए भी उसी की लिस्ट में इंक्लूड रहेगा नाम। ओके तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो भी मैंने डेट आपको बताई है वो एक क्राइटेरिया वो फिक्स नहीं है, यानी कि उसके अप्रोक्स आपको डेट मिलेगी वहाँ पे। फिर अब सैनिक स्कूल के लिए अगर आपके बच्चे को आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए कुछ एक कंडीशंस है। सबसे पहला जो मैटर करता है वो है एज लिमिट अब बढ़ा दी गई है पहले से। ओके तो आपके बच्चे की जो एज है वो क्लास 6 के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं तो 10 से 12 साल का होना चाहिए और क्लास 9 के लिए अगर आप करवा रहे हैं तो 13 से 15 साल का होना चाहिए। और स्टूडेंट की एज है अगर आप देख रहे हैं 10 से 12 साल, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो 1 अप्रैल 2008 से और 31 मार्च 2010 के पहले का होना चाहिए। ओके अगर आप क्लास 6 के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्लास 9 के लिए भी। ओके और जो ओनली इंडियन है स्टूडेंट वही अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के बच्चे सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जब आपका बच्चा है 5th क्लास पास आउट होना चाहिए, ओके या भी 5th क्लास में है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम आपके बच्चे का 5th क्लास पास होना जरूरी है। ओके फिर एग्जाम पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो आपका जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में होता है, यानी कि इससे बोला जाता है पेपर 1 और पेपर 2। ओके पेपर 1 और पेपर 2 वो दो क्या है, देखिए पहला जो पेपर होता है वो रहता है, इसमें 3 सब्जेक्ट रहते हैं। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, उसके बाद में है जनरल नॉलेज यानी कि उसमें साइंस और सोशल साइंस सोशल स्टडीज इंक्लूड रहती है, और फिर लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको बच्चों में बता दूं कि हिंदी लैंग्वेज भी रहती है, ओके और इंग्लिश लैंग्वेज भी रहती है। आपको कोई एक लैंग्वेज करनी है, पेपर में क्वेश्चंस रहेंगे वो दोनों ही लैंग्वेज के रहेंगे, 25 25 क्वेश्चन। अगर आप हिंदी करते हैं तो आपको हिंदी के ही सारे क्वेश्चन करने हैं, अगर आप इंग्लिश करते हैं तो आपको इंग्लिश के ही सारे क्वेश्चन करते हैं, यानी अगर आपने मीडियम इंग्लिश लिया तो आपको इंग्लिश मीडियम का एग्जाम करना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज करना होगा। अगर आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया तो आपको हिंदी के क्वेश्चन करने होंगे, दोनों नहीं कर देने हैं। ओके उसके बाद देखिए अगर देखेंगे तो मैथ के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स का 150 मार्क्स रहेंगे। ओके ऐसे ही आपको जनरल नॉलेज में यानी कि साइंस और एसएस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज में भी 25 क्वेश्चन रहेंगे लैंग्वेज के, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स रहेंगे। फिर आपका ये इसे हम कहते हैं पेपर 1। ओके फिर ये सेकेंड होगा, ये पेपर 2 होगा। ओके
आपको एक साथ ही मिलेंगे। पहले आपको पेपर वन मिलेगा ओनली, जिसमें ये तीन रहेंगे एबीसी, और फिर आपको मिलेगा अलग से, उसी सीटिंग अरेंजमेंट में आपको एक पेपर और दे दिया जाएगा, एक ओएमआर सीट अलग से और मिलेगी। उसमें आपको फिल करना होगा रीजनिंग के लिए, इंटेलिजेंस का एग्जाम होगा। इसमें आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स का ही होगा। टोटल जो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, यानी कि जो कट ऑफ लिस्ट बनेगी, वो आपकी बनेगी टोटल 300 मार्क्स में से, इसमें से। और टोटल आपको जो टाइम दिया जाएगा 150 मिनट्स का टाइम होगा, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए नोटिफिकेशन के साथ। बाय बाय।